हेलो एवरीवन, और यहाँ पर हम कंप्लीट कर रहे हैं एक वेबसाइट स्टैटिक पेज एचटीएमएल और सीएसएस के साथ। अभी हम यहाँ बना रहे हैं अबाउट पेज। अबाउट पेज का हमने एक नया पेज लिया है, मैं इसको समझा देता हूँ कि क्या किया गया। नॉर्मली आप जानते हो सब चीज़ें, मैंने यहाँ पे पहला कोड कॉपी करके इतना पेस्ट कर दिया। पेस्ट करने के बाद सबसे इम्पोर्टेंट, एक अगर वेबसाइट कोई बना रहे तो उसमें क्यूरी वगैरह होना चाहिए, फीडबैक वगैरह होना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे हमने क्या किया, एक हेडिंग दे दिया। हेडिंग देने के बाद हमने टेबल लिया, टेबल में हमने इसका दो ठीक लाइन दे दिया और इसका जो साइज दे दिया हमने 400 पिक्सल। इसके बाद टी आर का इस्तेमाल किया। टी आर का इस्तेमाल हम रो के लिए करते हैं और इसमें हमने यूज़ किया टी डी यानी कॉलम के लिए फर्स्ट नेम, और इसमें हमने दे दिया टेक्स्ट बॉक्स, ठीक है। प्लेस होल्डर लगा दिया उस जो जो हमें नाम प्रदर्शित करके दिखाता है बॉक्स में। इसके बाद लास्ट नेम लगा दिया। लास्ट नेम के बाद यहाँ पे स्टेट सेलेक्ट किया गया है, ठीक है। तो स्टेट भी इसके साथ है, साथ ही यहाँ पर एक और चीज़ आप फिट कर सकते हो। हाँ, यहाँ पे इम्पोर्टेंट रहेगा हमारे पास ईमेल वगैरह, तो हम यहाँ पे ईमेल अगर सेट करना चाहते हो तो आप क्या करोगे, ईमेल भी यहाँ पे सेट कर लो। और यहाँ पर इसके बारे में कौन से स्टेट से हैं वो चीज़ पूछ रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे बारी बारी आप क्लिक कर देख लो कहाँ पे क्लोज है, नहीं है, ठीक है। सब्जेक्ट वगैरह कुछ लिखने के लिए क्यूरी अगर आप लिख सकते हो तो उसको आप ऐड कर सकते हो। इम्पोर्टेंट यहाँ पे ये होगा कि आप चाहो तो इसमें एक टी आर का इस्तेमाल कर लो, और इसमें हम यूज़ करेंगे क्या, टी डी का इस्तेमाल करेंगे। टी डी में क्या हमें लगाना है, हमें लगाना है मोबाइल नंबर, ठीक है, कॉन्टैक्ट नंबर। इसमें मैं यूज़ करना है क्या, टी डी यूज़ किया, और इसको क्लोज कर लेंगे। इसमें हमें यूज़ करना है, आपको पता ही है कि इनपुट सेम लगवाते हैं इसको, इनपुट टाइप इज इक्वल टू टेक्स्ट। और यहाँ पे हम लगा देंगे प्लेस होल्डर इज इक्वल टू डबल कोटेड, इसमें लिखते हैं इंटर योर वैलिड नंबर, जैसे लिखते हैं यहाँ पे मोबाइल नंबर, ठीक है। यहाँ पे इसको कर लिया आपने, इसको रिफ्रेश कर लो, फिर इसको आपको ये दिख जाएगा, ठीक है ना। फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, मोबाइल नंबर, स्टेट, ओके। स्टेट के बाद यहाँ पे राइट समथिंग है, उसके बाद सबमिट कर देंगे, ये सबमिट हो जाएगा। ये क्या है, क्यूरी और फीडबैक फॉर्म है। अब हम चाहते हैं यहाँ पर कुछ अबाउट यानी इसके बारे में हो, ठीक है, जो वेबसाइट बनाया है, सॉरी वेबसाइट के बारे में या जो कंपनी है उनके बारे में। तो हमें क्या करना होगा, हमें वीडियो पे सॉरी हमें वापस जा करके अबाउट वाले पेज पे इस पर डिज़ाइनिंग करनी है। तो हम यहाँ पे एक टेबल ले लेते हैं और टेबल के अंतर्गत हम काम करेंगे, ओके। सॉरी, ये अबाउट वाला पेज है, ओके। हम इसके अंतर्गत एक टेबल लेंगे, टेबल लेने के बाद ही हम इसमें काम करेंगे। इसमें हमने दे दिया क्लोज के बॉर्डर, इसके बाद हम यहाँ पे क्या करेंगे, हम यूज कर लेते हैं पैराग्राफ को इस्तेमाल करेंगे हम, ठीक है। अगर कुछ मैटर में लिखना होता है तो हम किस चीज़ का इस्तेमाल करेंगे, पैराग्राफ का। और यहाँ पे हम क्या करेंगे, एक मैटर कॉपी करके रख लेते हैं यहाँ से। मैं आपको दिखाता हूँ कुछ मैटर हमारे पास पड़े हुए हैं, और जैसे यहाँ पर एक हेडिंग है, इसको हमने कॉपी कर लिया। सॉरी, कॉपी करने के बाद हम इसको क्या करेंगे, पेस्ट कर लेते हैं। डमी टेक्स्ट हमारे पास है, ये कहने का मतलब है, इसको हमने क्या किया, पेस्ट किया। कंट्रोल एस करेंगे और इसको रिफ्रेश कर लेते हैं अपने पेज को। आपको ये टेक्स्ट यहाँ पे दिखाई दे दिए, ठीक है, तो ये यहाँ से ऐसे बन जाएगा। इसके बाद क्या करना है, यहाँ पे एड्रेस बोर्ड लगाना चाहते हो तो एड्रेस बोर्ड का लगा सकते हो यहाँ पे।
यहाँ पर हमने एक साइड डिटेल हमने रख दिया है। हमने क्या किया, एक डिव लिया, डिव के अंदर आईडी लिया, आईडी के अंदर हमने साइड डेट दे दिया। स्टाइल शीट पे गए और यहाँ पर हमने क्या किया, कमेंट लगा दिया कि ये इस चीज़ का डिटेल है। सो हमने सेव रख दिया, वो इसका चौड़ाई और हाइट, बॉर्डर, फ्लोट राइट कर दिया, मार्जिन टॉप इसको सेट कर दिया, और फिर हमने इसको रिफ्रेश किया सेव करके, तो ये यहाँ पर एक बॉक्स मिल जाएगा। यहाँ पे हम इस कंपनी के बारे में डिटेल दे सकते हैं कुछ थोड़ा बहुत, ठीक है। और उसके बाद फिर नीचे हम जितना चाहें उतना दे सकते हैं डिटेल, ठीक है। तो कुछ इन्फॉर्मेशन जो हमें देनी है हम यहाँ पर दे देते हैं। अब यहाँ पे आप देख सकते हो हमने एक बॉक्स लिया है और कंपनी का नाम दे दिया, मोबाइल नंबर दे दिया, ईमेल दिया। कैसे काम किया वो आप, मैं एक बार दिखा देता हूँ आपको। हमने एक डिवीज़न लिया था जो मैं अभी बताया आपको, सेंटर हमने कर दिया, यहाँ पे यू का इस्तेमाल किया, इसे कहते हैं अंडरलाइन, एस टू का टैग का इस्तेमाल किया, कंपनी का नाम लिख दिया और मोबाइल नंबर, ईमेल, इसको पैराग्राफ में हमने सेट किया है, ठीक है। ओके, तो इसके बाद फिर इसके नीचे जो टेबल हमने लिया है, टेबल बॉर्डर, वो आपको मैटर यहाँ पर दिख रहा है नीचे, ठीक है। तो इस तरीके से यहाँ पर अबाउट पेज के बारे में क्लियर हो जाएगा आपके लिए। ओके, बाकी और कुछ मिसिंग होता है यहाँ पे इमेज लगा दीजिए, कंपनी का लोगो रहेगा, लोगो रहेगा तो एक काफ़ी खूबसूरत लगेगा, ठीक है ना। तो एक हम फ्रैंक फैशन शो का एक लोगो बना देंगे यहाँ पे बढ़िया सा। इसके बाद लोगो एक यहाँ पे होगा हमारे होम पेज पर भी, इसको इसको भी सेटिंग हम करेंगे अलग तरीके से, ठीक है। तो चलिए हम पहले, अब हम वापस आते हैं होम पेज पे, होम पेज की अब सेटिंग करते हैं, क्योंकि होम पेज ही इम्पोर्टेंट हमारे पास होगा। तो इसको हमें इंडेक्स पेज पे वापस जाएंगे और हमारे पास जो न्यूज़ वाला ऑप्शन है ये वाला, इसके अंतर्गत हमने क्या लिया था, न्यूज़, और हम स्टाइल शीट पे जाएंगे, ये हमारे पास न्यूज़, न्यूज़ को हम क्या करेंगे, कलर करेंगे। हम यहाँ पे क्या किए, हमने न्यूज़ पे गए और यहाँ पे बैकग्राउंड लगा दिया पिंक, इसको कॉपी कर लेते हैं और जहाँ जहाँ हमें ज़रूरत पड़ेगा हम वहाँ लगा देंगे, ठीक है। जैसे एक ऊपर भी हमें ज़रूरत है यहाँ पर हीडर के अंतर्गत, इसको भी हमने यहाँ पे पेस्ट कर दिया। कंट्रोल एस करेंगे, इसको रिफ्रेश करेंगे, ठीक है। अभी आपको दिख रहा है यहाँ पर कलर हो गया, और ये मेन्यू वाला जो ऑप्शन दिख रहा है इसको भी हमें कलर करना पड़ेगा, तो हम यहाँ पे जा करके पेस्ट किया हमने और कंट्रोल आर करेंगे, ठीक है। तब क्या होगा, ये कॉम्बिनेशन हो जाएगा, ओके ना। कॉम्बिनेशन का मतलब कि एक बैकग्राउंड जो है, बैकग्राउंड भी कॉम्बिनेशन में रहे और बाकी जितने भी मैटर हैं वो भी एक कॉम्बिनेशन में रहें। बॉडी के अंतर्गत हम जाएंगे और हम यूज़ कर लिया बीजी कलर इज इक्वल टू, यहाँ हम लगा देंगे पिंक, क्योंकि हम पिंक इस्तेमाल कर रहे हैं तो हर जगह इस्तेमाल कर लेंगे, तो आपको प्रॉब्लम भी नहीं होगा। जब कंप्लीट वेबसाइट हो जाएगा तो हम ये लाइनिंग भी रिमूव कर देंगे। ओके, देखो इसमें तो हो गया होम क्लियर। अब हम इसमें जो फूटर और ऑप्शन है, कंपनी का नाम, सॉरी यहाँ पे कंपनी का जो ऑल राइट रिजर्व होता है वो डिटेल हम यहाँ फिट करते हैं। तो यहाँ पे हमें लिखने के लिए हम क्या करेंगे, वापस जाएंगे इस पर और हमने दिया होगा फुटर, फुटर के एरिया में हम जाते हैं और यहाँ पे हम टाइप करेंगे, क्या टाइप करेंगे, पैराग्राफ लेंगे और हमने यहाँ पे लिखेंगे ऑल राइट रिजर्व 2019, और यहाँ पे यूज़ कर लीजिए कॉपीराइट, सेव कर लीजिएगा, इसको रिफ्रेश कर लीजिए, ये आपको ऐसे दिख रहा है, ठीक है ना। और ये तो आ चुका, इसको आप चाहते हो सेंटर में तो आप सेंटर मंगा लो। इसकी अगर सेटिंग करनी हो ना तो फूटर पे पहले यहाँ पे चले जाओ फूटर के पास, और इसमें जो फॉन्ट साइज है, फॉन्ट साइज, और हमने फॉन्ट साइज जो दे दिया कितना 45 पिक्सल, सेव करिएगा, इसको क्या करिए रिफ्रेश, आपको अब दिख रहा है ये 45 बहुत बड़ा हो गया, इसको हम 35 भी रख सकते हैं। सेव किया और जो टेक्स्ट का अलाइन होगा, टेक्स्ट का अलाइन को हम सेट कर देंगे, यहाँ पे हमने यूज़ किया सेंटर,
ओके तो ये हो गया। अब इसको थोड़ा सा इटैलिक कर देंगे तो और भी खूबसूरत लगेगा। तो हमने क्या किया, आई प्रेस कर लिया, आई फॉर इटैलिक होता है पता ही आपको। कंट्रोल एस किया, सेव किया, ठीक है ये तो बन चुका। ओके हम चाहते हैं यहाँ पे फ्रैंक का लोगो आए, तो इसके लिए हमें बनाना पड़ेगा लोगो, ठीक है। यहाँ पे हमने एक काम कर लिया है, देख लो यहाँ पे भाई, ये लोगो हमने लगा लिया है, लोगो का टैग, ये इंडेक्स है, इंडेक्स पे हमने क्या किया है, ये हमने डिव लिया है, क्लास बनाया है इसमें लोगो का, इमेज src और इमेज का नाम, और इसका हमने हाइट सेट कर दिया है। ये किस लुक में आ रहा है उसको एक बार देख लो, रिफ्रेश करके ये इस तरह से दिखेगा, ठीक है। तो इस टाइप से जब हमारा वेबसाइट कंप्लीट हो जाएगा तो इन बॉर्डर को रिमूव कर देते हैं हम लोग, ठीक है। अब यहाँ पर हमने एक आइकन लगा लिया है, वो मैं आपको दिखा देता हूँ। देखो ये हमने यूज़ किया अबाउट वाले पेज में, यहाँ पे हमने हेडर के अंतर्गत हमने ये इमेज लगाया है यहाँ पर। इसमें हमने क्या किया, एंकर टैग का इस्तेमाल किया और साइट पे जा करके हमने ये लिंक कॉपी करके यहाँ पे पेस्ट कर दिया, ठीक है। और अब देखो ध्यान से, जब ये पेस्ट हो जाएगा हम अपना ओपन करते हैं साइट और इसको रिफ्रेश कर लेते हैं एक बार। जिस पे क्लिक करेंगे लिंक पे तो क्या करेगा, समझ में आया? इस तरीके से आपके पास कोई भी सोशल आइकन होगा, सोशल आइकन कोई भी लिंक आपको ऐड करना हो, किसी वेबसाइट से जोड़ना हो, तो आप क्या करोगे, सेम उसको कॉपी करके लिंक को पेस्ट कर दोगे उसके लोकेशन पे, ठीक है। तो ऐसे हम यहाँ पर कोई भी आइकन जोड़ लेंगे, कोई भी आइकन बना देंगे। इसके साथ ही इसको बैक कर लो वापस एक बार। मैं देखो कोड जो हम लिखते रहते हैं ना, तो कोड में बहुत सारा चेंजेस होता रहता है। अब मैं क्या करता हूँ, आपको एक बार कोड पूरा दिखा देता हूँ, ठीक है। ये इंडेक्स पेज है, ध्यान से देना, ये आपको ये पता ही है, किसी भी पेज को जोड़ना हो, CSS पेज को, तो ये हम लिंक लिखते हैं, इंपॉर्टेंट सबसे होगा, ओके। और इसके बाद ये हेड होगा, हेड के अंदर अगर बीजी कलर दिया पिंक, यहाँ पर रैपर लिया, सबसे बड़ा बॉक्स, बॉक्स के अंदर हम सारा काम करते हैं, ठीक है। ये आप पूरा देख सकते हो, हमने ऑडियो लगा दिया दो, और यूज़ कर सकते हैं ऑडियो आपकी मर्जी, और नहीं भी यूज़ करें। न्यूज़ में हमने दे दिया है ये सब मैटर, और इसके अंदर हमने गैलरी दे दिया जो स्लाइड पेज में चल रहा है। इसके साथ ही हमने लास्ट में फोटो दे दिया। अब बात करते हैं रजिस्ट्रेशन में, रजिस्ट्रेशन में सेम सेम इतना तो आप जानते ही हो, और यहाँ पे सबसे इम्पोर्टेंट क्या होगा, हमने टेबल लिया है, ठीक है। टेबल के अंतर्गत हमने क्या किया, रजिस्ट्रेशन पेज बनाया, ओके। ये आप एक बार कोड देख लो, क्योंकि हम जितना काम करते रहते हैं ना, थोड़ा भी मॉडिफिकेशन करना है तो हम चेंज कर दिए, ठीक है। तो पहले जैसा कोड क्या था और अब क्या है कोड, दोनों कोड में परिवर्तन रहेगा। यहाँ पे इसको पूरा पूरा देख लो कोड ढंग से। इसके बाद देखो ये है गैलरी का पेज, गैलरी में बारी बारी आप देख सकते हो इसको। आप अगर काम कर रहे हो तो स्निप शॉट भी ले सकते हो, ठीक है। ये गैलरी का पेज है, इसमें आप चाहो जितना मॉडिफिकेशन करना चाहो कर लो। अबाउट की पेज के बारे में बात करें तो थोड़ा बहुत है इसमें। इसके बाद सॉरी अबाउट ना, एक इमेज के बारे में डिटेल दिया गया था यहाँ पे, और भी आप लिख करके बता सकते हो। यहाँ पे ये वीडियो है, वीडियो वाले फाइल में हमने क्या किया था, यहाँ पर कुछ हमने वीडियो लगाया था पेज को जोड़ने के बाद, यहाँ पर ये इम्पोर्टेंट रहेगा हमारे पास, ठीक है। वीडियो लगाने के लिए क्या करते हैं, वीडियो टैग इस्तेमाल करते हैं, और साइज दे दिया वीड, इसका हाइट कंट्रोल लगा देंगे, और सोर्स src लगा के वीडियो का फोल्डर, और ये स्लैश लगाएंगे वीडियो का नाम और उसका फॉर्मेट टाइप लिख देते हैं वीडियो स्लैश MP4, क्लियर। तो ये इसका पूरा फॉर्मेट था। अबाउट पेज के बारे में बात करें तो अबाउट पेज यहाँ शुरू होता है, ये आप देखो फॉर्म बना दोगे, क्यूरी बना दोगे, और कॉन्टेक्ट नेम, ठीक है। इसके बाद ये स्टाइल CSS सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट होगा, आपके पास स्टाइल CSS की जानकारी होनी चाहिए। जितना काम करते रहो, मॉडिफिकेशन करते रहो, वो आपको समझ में आएगा। तो एक बार इसको देखते चले जाओ, यहाँ पे स्लाइड देखो, ये आप जो भी किसी पेज पे कोई भी नाम दो तो यहाँ पे उसी नाम से डिफाइन कर दो। और कमेंट बॉक्स, जैसे ये हमने कमेंट बॉक्स लगा दिया, ये कमेंट वाला ऑप्शन, ये डिक्लेयर ये करता है, क्योंकि एक अच्छे प्रोग्रामर की अच्छी विशेषता ये होती है कि वो हर जगह कमेंट का इस्तेमाल करे, यानी वो डिक्लेयर कर दे।
एक बंदा बना के चला जाए तो दूसरा बंदा आए, उसको देखे, स्टडी करे, तो उसको समझ में आ जाए। बात समझ में आई? अब इसका रिजल्ट मैं दिखाता हूँ। फाइनली ये हमारे पास होम पेज है। होम पेज मैंने यहाँ पे ऑडियो लगाया, यहाँ पे आइकन लगा दिया है, और इसका हम बॉर्डर बाद में हटा भी सकते हैं। यहाँ पे मैंने होम पेज लगाया, रजिस्ट्रेशन, गैलरी, वीडियो, अबाउट। यहाँ पे बस न्यूज़ वाला पार्ट है, ये स्लाइड वाला पार्ट है, ये फुटर वाला पार्ट है। इसके बाद हम रजिस्ट्रेशन पे आते हैं। रजिस्ट्रेशन पे सेम आपको दिख रहा है सब कुछ, ओके, मास्टर जैसा। और यहाँ पर क्या होगा, आप देख रहे हो ये चीज़, ये पूरा फॉर्म आपको दिख रहा है, ठीक है। यहाँ पर कैलेंडर वगैरह सब दिख रहा होगा आपको। तो ये फॉर्म आप सबमिट करते हो, क्योंकि ये स्टैटिक पेज है। अगर आप चाहते हो कि यहाँ पे हम फॉर्म पे क्लिक करें, सबमिट भी हो, डेटाबेस भी जुड़े, ठीक है, तो वो चीज़ मैं बताऊँगा जावा स्क्रिप्ट के माध्यम से। अगर आप उसको जानना चाहते हो तो इस चैनल पे आप बने रहो और सब्सक्राइब कर लो चैनल को। इससे आपको जब मैं अपडेट करूँ तो आपको नोटिफिकेशन भी मिल जाएगा। ये गैलरी है, गैलरी के साथ यहाँ देख सकते हो आप ये इमेजेस वगैरह हैं। किसी इमेज के बारे में हमें जानना है तो हमने इमेज पे क्लिक किया था। तो ये पेज जो हम बनाते थे, तो इसका हम क्या करते हैं, एक अलग पेज क्रिएट करते हैं, ठीक है। जब इमेज बड़ा दिखाना हो तो हम क्या करते हैं, क्लिक करके बड़ा पेज देख लेते हैं। इसके साथ ही यहाँ पर एक और पेज है वीडियो का, सॉरी, हाँ, ये हमने वीडियो लगाया था, आप देख सकते हो यहाँ पर ये वीडियो चल रहा है, ओके। ये सब वीडियोस पार्ट है, और इसको आप बड़ा करके भी देख सकते हो। ओके, फिर ये लास्ट वाला था हमारे पास अबाउट वाला पेज। अगर किसी बंदे के पास फीडबैक होता है, क्यूरी होता है, तो वो यहाँ पर अपना लिख करके सबमिट कर देता है, पहुँच जाता है। ये कंपनी का नाम है यहाँ पे फ्रैंक्स फैशन शो लिमिटेड, और मोबाइल नंबर है, ईमेल है, ठीक है। और कुछ यहाँ पे जानकारी देना हो तो दे सकते हैं इस तरीके से। और हमने एक यहाँ पे लोगो भी लगाया है, ठीक है। इस तरीके से ये आप एक सिंपल वेबसाइट बनाना सीख जाओगे। कितना टाइम लगा वो आप समझ सकते हो, ठीक है। यदि आपको वीडियो समझ में आया तो वीडियो को लाइक करें, और यदि आपको कोई इसमें से प्रोसेस छूट गया हो, आपको समझना हो, तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।